देखिए कोई भी कला खाली एक मनोरंजन नहीं होते हैं क्योंकि एज आई वॉज टेलिंग यू दैट एवरी आर्ट इसको मैं अंग्रेज़ी में बोल रही हूँ क्योंकि इसमें हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल है बट कोई भी आर्ट यू नो इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट इट्स सोशो कल्चरल नॉनसेंस ऑफ दिस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस तो हमारा कला भी जो है यू नो इट्स पिछले पाँच हज़ार साल से ये चले आ रहे हैं और हमें ये नहीं पता एक्जैक्टली exactly कि पाँच हज़ार साल पूरा एग्जैक्टली exactly उसका क्या रूप था बट जो भी हो थोड़ा चेंज हुआ होगा और अभी भी इट इज़ स्टिल सरवाइविंग यू you नो know, उनका रूट्स तो वही हैं लेकिन इसके कारण क्या हैं बिकॉज इसमें वो डायनामिज्म हैं कि आई मीन इट कुड सर्वाइव द पैसेज ऑफ टाइम तो अगर ये खाली एंटरटेनमेंट होता तो इसमें ये स्ट्रेंथ होती नहीं ये पता नहीं कब का गायब हो जाती इन एनी केस देखिए क्लासिकल डांस या म्यूजिक या कोई भी कला यू नो प्राइमरीली यू नो डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिशनर इट इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल इट्स लाइक वर्शिप So, उसको खाली एंटरटेन बोलना उसकी तोहिन करना है और कोई भी कला जैसे इसको रेलिवेंट बनाने के लिए आज के ज़माने में आपका दिमाग लगाना बहुत जरूरी है यू नो आपका सोच विचार उस कला के माध्यम से प्रकट होते हैं तो प्राइमरीली एन आर्टिस्ट इज़ क्रिएटिंग फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ यू नो उसमें आर्टिस्ट लोगों का अगर मनोरंजन ही उनका प्रधान उद्देश्य होता है

कि बच्चों को बचपन से कोई गाना या डांस या रेसिटेशन या प्ले कुछ ना कुछ सिखाया जाए सो so, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है बट ये ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि कुछ सिखाया जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशनली ले तो मैंने एक पॉइंट आया आफ्टर मैं एकेडमिक आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी उसके बाद एक था डांस भी साथ साथ करते आ, आ रही थी सो दे आई हैड टू मेक अ चॉइस यू नो किस को प्रोफेशनली लूँ या अकेडमिक्स में जाऊँ या दूसरा कुछ करूँ एंड माई मदर हैज़ बिन अ ग्रेट सपोर्टर यू नो मेरी माँ जो हैं वो रविंद्र संगीत गाती हैं और पेंटिंग बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी तो शी हैज़ बिन अ ग्रेट सपोर्टर तो शी इज़ माई क्रिएटिव इंस्परेशन यू कैन से